नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन करा अपने नवरात्रि का व्रत प्रायण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि इस दिन महागौरी की पूजा में समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। जानिए दुर्गा अष्टमी व्रत कथा और उसके पूजा विधि तो आइए जानते हैं। अष्टमी के दिन माँ अम्बे के महागौरी स्वरूप की पूजा की होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाएं, फिर देवी दुर्गा की प्रतिमा को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करें, उन्हें फूल अर्पित करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा के मंत्रोच्चार करें, दुर्गा जी को पंचामृत अर्पित करें, साथ ही उन्हें 5 फल किशमिश सुपारी पान लौंग इलायची आदि भी चढ़ाएं, प्रसाद स्वरूप माँ को मिष्ठान अर्पित करें। इस दिन नारियल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। जिन लोगों को इस दिन व्रत का पारायण करना है वे लोग कन्याओं का पूजन करें, घर में नौकन्याओं को पूरी और हलवे के प्रसाद का भोग लगाएं और फिर उनके पैर छुएं आशीर्वाद लें। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी के मंत्र। महागौरी की व्रत कथा। दुर्गाष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर माँ पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था, उनकी छटा चांदनी के समान, श्वेत कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौरवर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौरवर्ण की हो जाती हैं और तभी इनका नाम गौरी पड़ता है। महागौरी रूप में देवी करुणामय स्नेहमय शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वाद्य साधिके शरण्यन अम्बिके गौरी नारायणी नमस्तुते। एक कथा ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफ़ी भूखा था। जब वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी, देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। तो दोस्तों, इस प्रकार थी महागौरी की व्रत कथा जो कि 8वें नवरात्रे को होती है। धन्यवाद दोस्तों।